Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. रहीम अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ बड़ी ईद स्पेशल जबरदस्त किस्म की स्टीम कलेजी मसाला रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट टाइम हमारी अपनी रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैंने ये कलेजी ली। कलेजी जो है हमने धो के साफ करके रख ली है। इसके ऊपर जो जल्दी होती है वो उतार लेनी है। इसको उतार के धो के साफ करके इस तरह इतने इतने इसके क्यूब बना के हमने इसको रख लिया जी। अब इसको स्टीम करने के लिए ये हमने एक देसी जुगाड़ लगा के स्टीमर तैयार किया है। कोई भी पुराना बर्तन आपके पास पड़ा हो तो आप उसको स्टीमर बना सकते हैं। मेरे पास ये एक बड़े साइज की कढ़ाई है, इसको मैंने स्टीमर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। इसके अंदर मैंने ये एक छलना सा था तो मैंने इसको रख दिया इसके अंदर। आपके पास कोई ग्रिल हो तो आप उसको भी रख सकते हैं। इसको मैंने प्री हीट कर लिया, यानी इसके अंदर स्टीम बनी हुई है, चूल्हे पे पहले से रखा हुआ था, और इसको मैंने ऊपर से ग्रीस कर लिया। अब ये जो कलेजी है हम इस तरीके से इसमें रख देंगे। ये देखें कंप्लीट, इस तरीके से हम ये सारे पीसेस इस पे रख देंगे। कोई मसाला नहीं लगाना, कोई चीज नहीं लगानी, सिर्फ हमने कलेजी को अच्छा सा वॉश करके, तो ये देखें हमने इसके अंदर स्टीमर के अंदर डाल दिया। ठीक है, बहुत जबरदस्त शानदार रेसिपी है। कलेजी ऐसी तैयार होगी कि मुंह में जाते ही घुल जाए। अमूमन लोग कलेजी तैयार करते हैं तो वो हार्ड होती है, तो ये जो रेसिपी है इस रेसिपी के साथ अगर आप कलेजी तैयार करेंगे तो यकीन करें आपको मजा ही आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये अब हमने सारी कलेजी इस तरीके से डाल दी। अब इसको कवर करके तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। आधे घंटे के बाद हम इसका कवर उठाएंगे, फिर एक दफा इसको कलेजी को थोड़ा सा शफल करेंगे और उसके बाद फिर इसको कवर करके पूरा 1 घंटा 20 मिनट के लिए इसको स्टीम करनी है। अब इसके साथ इसका जो मसाला तैयार करना है, सारा जो मजा है वो मसाले में ही है। तो अब इसका मसाला भी तैयार करते हैं जितनी देर में ये स्टीम होती है। चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई लेके इसमें हसबे जरूरत घी डाल लिया है। अब इसमें मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज, हसबे जरूरत जितनी भी हमारी कलेजी है उस हिसाब से हम इसमें इस तरीके से कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम इसको 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, प्याज जो है वो हमने फ्राई किया है तकरीबन 50%। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन थोड़ा सा, ये देखें इस तरह छील के ये साबुत इसमें डाल देंगे और 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ लहसुन को भी। हाँ जी, 1 से 2 मिनट गुजर गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के तो मज़ीद 2 से 3 मिनट फ्लेम को लो करके तो इसको भी फ्राई करेंगे ताकि प्याज को जो है वो मुकम्मल हम फ्राई कर लें, साथ हरी मिर्च और लहसुन भी हमारा जो है वो फ्राई हो जाए, जो कच्चापन भी खत्म हो जाए। ये स्टेप बाई स्टेप आपको चीज़ें मैंने दिखाई हैं, जिस तरीके से आपको बताई हैं आपने स्टेप्स को फॉलो करना है तो इंतहाई लाजवाब किस्म का आपका मसाला तैयार होना है। ठीक है, देखें फ्लेम को हमने लो कर लिया और 2 से 3 मिनट इनको भी फ्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर, ये देखें मज़ीद 3 से 4 मिनट गुजर गए, हमारी तमाम चीज़ें जो है अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर जो है वो इस तरीके से हमने काट के डाल लेने हैं, एक टमाटर के 2-2 पीस कर लिए हमने। तो टमाटर डाल के तो अब हमने इनको भी फ्राई करना है ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है और जो टमाटरों का पानी है वो भी हमारा ड्राई हो जाए और टमाटर हमारे फ्राई हो जाए इसी तरीके से। ये देखें तो फ्लेम को भी हमने मीडियम कर लेना है और मीडियम करके साथ साथ हिलाते भी रहेंगे ताकि जो है वो मसाला हमारा अच्छे से जो है फ्राई हो जाए, भुन जाए। तो यही अच्छा लीवर, ये देखें हमने माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छे से भून लिया है। टमाटर भी हमारे देखें मेल्ट हो गए भुनते भुनते। ठीक है, तो मसाले की फ्राई जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, आपने भी मुकम्मल स्टेप्स को फॉलो करना है। बड़ी ईद की आमद आमद है तो ये गिफ्ट है आपके लिए, ब्रांड न्यू रेसिपी है स्टीम कलेजी मसाला। आज से पहले आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। कलेजी ऐसी सॉफ्ट बनेगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। आप फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देंगे और इस मसाले को 5 मिनट के लिए ज़रा सा ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप आप शेयर करते हैं। अच्छा जी, मसाला हमारा जो है 5 मिनट घुल के ठंडा हो गया। ठीक है, अब हमने ये देखें इस तरीके से इसको निचोड़ लेना है ताकि घी जो है वो कम से कम मसाले के साथ निकले। और ये दिखाएं जी, हमने जग ले लिया, इसको हम करेंगे ग्राइंड। ठीक है, इसको तैयार करेंगे पेस्ट। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया, अब ये मसाला इसमें डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना के तो अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। बस हमने तमाम मसालों का बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया। अब ये पेस्ट दोबारा हम डालेंगे कढ़ाई में, फ्लेम दोबारा से ऑन कर लिया। अब ये पेस्ट देखें इस तरीके से दोबारा हम डाल देंगे कढ़ाई में। ठीक है, और जग में जो पेस्ट लग जाता है इसको थोड़ा साफ करेंगे पानी डाल के, और वो भी इसमें डाल देंगे
और उसके बाद इसको कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, फ्लेम को कर लेंगे मीडियम। अभी हम इसमें शामिल करते हैं जी कुछ मसाले, ठीक है। ये फ्लेम हमने ऑन रखा हुआ है, 1 से 2 मिनट हमने इसको देखें और पकाया है ताकि जो पानी हमने डाला था मसाले में वो ड्राई होना शुरू हो जाए। तो इस स्टेज पे आके सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक हम शामिल करेंगे इसमें। मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ही डाल रहा हूँ। उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये देखें 1 टीस्पून ये डाल दी। इसके बाद लाल मिर्च डालेंगे, अगर आपने तीखा खाना है तो आप 2 टीस्पून डालें, अगर आपने हल्का खाना है तो 1 डालें। मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च की डाल रहा हूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे खुश्क धनिया ग्राइंड किया हुआ पिसा हुआ, ये 1 और ये 2 टीस्पून ये डाल देंगे। इसके बाद जीरा भुना हुआ और उसको ग्राइंड करके रख लिया था, अब इसमें वो डालेंगे 2 टीस्पून भर के, ठीक है। ये देखें इसके साथ हम डालेंगे इसमें सालन मसाला। सालन मसाला जो है वो मैं कमर्शियल यूज़ कर रहा हूँ, यानी मार्केट का बॉक्स वाला, नेशनल का है और ये तमाम मसालों में सालन में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी 2 टीस्पून भर के हम सालन मसाले की इसमें डाल रहे हैं। ये आपको आराम से किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, अगर आपके पास घर का बना हुआ कोई सालन मसाला हो या कोई अच्छा मसाला हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सालन मसाले का यूज़ किया। ये देखिए इसको अच्छा सा तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। इसके साथ अब आपको दिखाते हैं कलेजी की क्या पोजीशन है, दिखाएं जी। अब इसको तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो इसका कवर उठा लेंगे। दरमियान में एक दफ़ा हमने इसको शफल किया था बस, उसके बाद हमने इसको छेड़ा नहीं। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कि कलेजी मुकम्मल हमारी स्टीम हो चुकी है, और जो कलेजी के साथ हल्की सी जो इसकी मैल होती है, जो इसका अपना जो मैलापन होता है, तो वो स्टीम ने सारा उतार दिया। ये आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो कलेजी हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, एक एक पीस ये देखें बिल्कुल। अब ये उठाते जाएंगे और इस तरीके से मसाले में डालते जाएंगे, ठीक है। ये देखें, दिखाएं जी, ये दिखाएं, ये इस तरीके से ये हम सारे पीसेस जो हैं इस तरह मसाले में डालते जाएंगे। कढ़ाई के नीचे फ्लेम को हमने बिल्कुल अभी हल्का कर लेना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना अभी। तो ये पहले सारी कलेजी इसमें डाल लेते हैं। कलेजी हमने सारी डाल दी है जी, ये देखें माशाल्लाह से। अब इसको हिलाएंगे, एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अब फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है और इसको थोड़ा सा हमने भूनना है, ठीक है। तो मीडियम फ्लेम करके तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करते हैं, फिर इसके बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पे आके इसमें 2 चम्मच इस तरीके से ताज़े दही के शामिल कर लेंगे। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा इसमें दही शामिल कर लिया, 2 चम्मच ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 2 चम्मच इसमें दही के शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके साथ साथ हिलाएंगे और साथ ही इसमें हम हरा धनिया भी शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ। ये देखें ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अगर आपको स्टीम कलेजी मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो आपको इस तरह की मज़ेदार किस्म की वीडियोस मिलती रहेंगी। अच्छा जी, तकरीबन ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन आखिर पे हम इसमें डालेंगे गर्म मसाला भी, ठीक है। गर्म मसाला 1 टीस्पून इस तरीके से हम डाल देंगे और उसके बाद इसको गर्म मसाले को मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल आखिरी स्टेप है गरम मसाले वाला, जो हमने आखिर में इसमें डाला है और आखिर में डाल के तो इसके जो जायके को जो है ना हमने 4 चांद लगा दिए, ठीक है। ये देखें इस तरीके से अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हम सिर्फ इसको 2 मिनट का जो है कवर करके दम देंगे ताकि मसालों की खुशबू अच्छी सी जो है ना फैल जाए। ये देखें इस तरीके से कवर कर देंगे और 2 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे और फाइनल लुक आपसे शेयर करेंगे। 2 मिनट का दम हो गया था, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है कवर उठा के, तो मैं इसकी जो है ना फाइनल लुक आपसे शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिखाएं इधर प्लेट में डालते हैं इसको। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कैसा ज़बरदस्त ये इसका कलर बना है हमारी कलेजी का मसाले का। ये बहुत गर्म है लेकिन फिर भी आपको मैं तोड़ के दिखाता हूँ इसको कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है, ठीक है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है, ये आराम से ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ से ज़रा करते हैं इसको, ये बहुत गर्म है, 1 सेकेंड। ये देखें, हाँ हाँ हाँ, ये कैसे घुर रही है देखें, ये देखें माशाल्लाह से। तो उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।